हेलो, कैसे हो? आज मैं बात करूंगा जापनीज लैंग्वेज स्कूल के बारे में, जिसे निहंगो गाको कहा जाता है। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस ही है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने टाइटल ऐसा रखा है वीडियो का। लेकिन मैं फिर भी बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे खुद के जो व्यूज़ है पर्सनल, अगर मैंने इस वीडियो में डाल दिए तो फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि जो जापनीज़ लैंग्वेज स्कूल में वाकई यहाँ पे आके सीखना चाहते हैं वो, उनको बुरा लगेगा। तो एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से तो बुरा मत मानिए अगर मैंने कुछ सच्ची जो चीज़ें बोल दिया आपको अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप जापनीज़ लैंग्वेज स्कूल में अगर अभी जा रहे हो तो आप माफ़ कीजिए, लेकिन जो है सच्चाई वो मुझे बोलनी तो पड़ेगी, क्योंकि जो इसके आगे जापनीज़ लैंग्वेज स्कूल में आने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब जो मतलब अपने पेरेंट्स का जो सेविंग्स है वो इसके आगे अगर जापनीज लैंग्वेज स्कूल में इन्वेस्ट करने को जा रहे हैं, तो उनको तो मैं कम से कम बचा सकता, तो इसलिए मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डीमेरिट्स मेरिट्स के बारे में हम जान लेते हैं। मेरिट्स, आप इजीली जापान में आ सकते हैं, मतलब आप कॉलेजेस या जॉब्स में अगर आप देख सकते हो तो बहुत सारी पहले जो प्री स्क्रीनिंग्स होती है, मतलब आप कॉलेज में जाना चाहते हो तो कॉलेज में आपको जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, फिर COE आता है, और फिर COE के बाद वीसा आता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन इसके इससे भी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और एग्ज़ाम में पास होना पड़ता है, और एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जापनीज लैंग्वेज स्कूल का ऐसा नहीं, जॉब का भी ऐसा होता है, लैंग्वेज स्कूल का ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज स्कूल में बस आप फी भरो और आपको वहाँ पर वैकेंसी होगी तो आप जा सकते हो। तो ये है पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि 1 या 2 साल के होते हैं जापनीज लैंग्वेज स्कूल, और आपको डिप्लोमा दिया जाता है, और 2 साल आप एंजॉय कर सकते हो जापान को, और पढ़ाई का ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, बस जापनीज लैंग्वेज क्लासेस होते हैं, और हफ्ते में बहुत कम लोड होता है पढ़ाई का। तो ये होते हैं प्राइमरी एडवांटेजेस, दो ही है सिर्फ, मैं दो से ज़्यादा एडवांटेज नहीं जानता हूँ। और इसके खिलाफ हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब मैं क्यों लोगों को बोलता हूँ कि मत आइए आप जापनीज लैंग्वेज स्कूल, मत आइए, लोगों से मैं क्यों कहता हूँ, इसके रीजंस भी आप पहले जांच लेते हैं। आपको डिग्री नहीं मिल जाती, मतलब जब आप आपका रेज्यूमे लिखते हो तब आप बस डिप्लोमा लिख सकते हो अपने रेज्यूमे में, मतलब जब कंपनी आपको पूछे कि आप क्या डिग्री हुई है, तब आप ये नहीं बता सकते कि मैं जापनीज लैंग्वेज स्कूल गया हूँ। यह सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है, मिलता आपको कुछ नहीं है उसका, मतलब आप जो इन्वेस्ट करते हो टाइम और मनी, उसके हिसाब से आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। दूसरी चीज़ है कॉस्ट। हालांकि आपको डिप्लोमा मिल जाता है 2 साल के बाद, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप उसमें कॉस्ट इन्वेस्ट करते हो बहुत सारी, तो मेरे ख्याल से जब आप पैसे और टाइम दोनों खर्च करते हो तो आपको उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, जिसमें आपका टाइम भी रिकवर हो सकता है और आपका पैसा भी रिकवर हो सकता है। वो तो अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं रहती है, ना उनके जॉब प्लेसमेंट्स होते हैं, ना ऑन कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, ऐसे कुछ गारंटी नहीं होती। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो ये है, स्कॉलरशिप्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल होना होता है। स्कॉलरशिप उन लोगों को प्राइमरीली दी जाती है जो जापान में अपनी स्टडीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिन्हें सिर्फ बाई तो मतलब पार्ट टाइम जॉब करके अपना जो डेली लाइफ है वो, मतलब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, या आप बहुत ही होशियार हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, मतलब ऐसे लोगों के लिए होती है। लेकिन जापनीज लैंग्वेज स्कूल के जो बंदे होते हैं उनको आसानी से स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, क्योंकि जो प्रेफरेंस होता है, जैसो की स्कॉलरशिप हो, कोई भी स्कॉलरशिप हो, वो सब लोग रिसर्च स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही दिया जाती है। बहुत से मैंने आज तक एक भी स्कॉलरशिप ऐसे नहीं देखी है जो कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ निहोंगो गाको में जो जाते हैं या जापनीज लैंग्वेज स्कूल में जो बंदे जाते हैं उनके लिए वो स्कॉलरशिप देंगे। तो आप बहुत ही एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होते हो, मतलब के पास देखने का नज़रिया होता है वो बहुत ही एक कम लेवल का होता है। तो और एक डिसएडवांटेज बता ही दूँ मैं, तो वो होता है ज़्यादा बाई तो करने का, मतलब मगर आप ये सेकंड जो डिमेरिट बताया था उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जब आप इतना पैसा स्पेंड करके जापान में आते हो और फिर यहाँ आपके सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करते रहते हो, तो आप जापान में किस लिए आए, जॉब करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, या जापनी सीखने के लिए? ये आपको समझ में नहीं आता है। मतलब आप यहाँ पे आए हो तो ठीक है, लेकिन आप फिर पूरा दिन बाइतों में मतलब पार्ट टाइम जॉब में गुजारते हो, और फिर उसके दूसरे दिन सुबह उठते हो और फिर कॉलेज जाते हो, और फिर कॉलेज के बाद वापस जॉब, तो बस यही चलता रहता है, फिर आप जापान एंजॉय नहीं कर सकते बिल्कुल। तो अगर आपको जापान एंजॉय करना है, ठीक से पढ़ाई भी करनी है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाइए किसी अच्छे से,
और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चलेगा। ज़रूरत नहीं कि आपको जापनीज में ही सब सीखना है, आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी डिग्री प्रोग्राम में जाइए। अमीर बाप के बेटे हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे आके पैसे उड़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन जो मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे होते हैं जिनको यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे आओगे तो जापनीज लैंग्वेज निहोंगो को पे मत आना, क्योंकि आपको बहुत सारे जॉब्स करने पड़ेंगे और जॉब के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, यही आपका रूटीन चलेगा। तो ये सब डिमेरिट्स, चार डिमेरिट मैंने बताया और दो मेरिट्स बताए, मेरिट्स एक्चुअली वो दो बताए लेकिन वो मेरिट्स मैं उन्हें मानता नहीं हूँ। आपके जो इंप्रेशन है, आपको जो लगता है, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको आपका ओपिनियन है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। 6 साल मैं यहाँ पे रह के मैंने अलग अलग लोगों को देखा है। देखिए आपको क्या लगता है, ये मेरे विचार है इस वीडियो पे। TITP पे भी मेरे कुछ ऐसे मिलते जुलते विचार है, मैं कभी उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन देखिए आप, आपको क्या लगता है निहोंगो वाको के बारे में, आपको क्या लगता है। आप देखिए, आप एडमिशन अगर ले रहे हो तो सोच समझ के एडमिशन लीजिए, आपके पास कितने पैसे हैं, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं जापान में 2 साल रहना, खुद ब खुद आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप सोच समझ के जापान में आइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो का इंतजार करना, बाय बाय।